हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो इसके पहले जैसे आपने आई एस को रीड किया था, आई एस को डाउनलोड स्लिपिंग होता है, अभी हम लोग एल एम को पे आ जाए राइट। तो आई एस को कौन सा था मालूम है? इसके पहले अपने वीडियो देखा रहेगा राइट। तो आई एस को वर्क इन गुड्स मार्केट, तो एल एम को किसकी कहाँ काम करता है? मनी मार्केट में काम करता है। कहाँ काम करता है? मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब आपको बैंक समझना हो, ओके। तो एल एम को शोज दी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, तो ये इंटरेस्ट रेट और इनकम का रिलेशन बता रहा है। और एल एम को इज अपवर्ड स्लोपिंग, इसका डायग्राम भी अपवर्ड जाएगा क्योंकि हायर इनकम लेवल इट रिक्वायर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा इनकम बढ़ा, इनकम को बढ़ाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ता है। तो आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओके। तो आ जाओ मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पूरा खेल डायग्राम का ये, ठीक है। तो आपको क्या करने वाले मिल गया? कॉन्स्टेंट मनी सप्लाई बनाना है। तो मनी सप्लाई क्या है? एक कॉन्स्टेंट है, ओके। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब मटके में पानी, ओके। तो मटके में पानी कितना, जितना सपोज 10 लीटर का मटका है तो 10 लीटर ही पानी रहेगा, उससे ज़्यादा होगा क्या? नहीं, सेम। तो मनी सप्लाई क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड कम होता है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। तो जहाँ एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मिलता है तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1 हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो गया? E2 हो गया, ओके। तो क्वांटिटी ऑफ मनी और क्वांटिटी मनी और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई प्लॉट किया। अभी आपको बैंक के तरफ से सोचने का, बैंक जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा ना तो बैंक का इनकम उतना बढ़ेगा ना यार। वो कस्टमर था, वो क्या सोच रहा था कि मेरे को कम इंटरेस्ट मिले तो मैं लोन लूँगा। इधर बैंक क्या सोच रहा है? मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा। ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करो तो ज़्यादा कम होता है। अपने को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी मार्केट बैंक्स, ओके। तभी क्या करना है हमारे में क्या? तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ओके। ये यहाँ शिफ्ट कर दो। तो इधर रेट दे दो R1, इधर रेट दे दो R2, ओके। दो रेट दे दिया R1 और R2। तो जब रेट कम था वेन रेट वॉज R1 लेवल, जब R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था तो अपना ना जो अपना जो इनकम है ना ज़्यादा नहीं बढ़ा, इतना ही बढ़ा, कम इनकम बढ़ा। मतलब बैंक जब कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बैंक का इनकम भी कम ही रहेगा, ओके। जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ओके, तो नेशनल इनकम भी क्या हो गया? बैंक का लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ गया। तो बैंक की तरफ से इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो एल एम को किस में जाता है? लिक्विडिटी मनी अपवर्ड डायरेक्शन में कहा जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम विद कॉन्स्टेंट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा वहाँ लेवल ऑफ इनकम दोनों बढ़ जाता है। तो अब एल एम का क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इट हैज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम। जब अपवर्ड स्लोप होता है तो पॉजिटिव इनकम होता है, राइट। अब इसमें मैं ये भी बता देता हूँ दोनों का इक्विलिब्रियम, ओके। यही वीडियो में समझा देता हूँ क्या अभी हमने क्या पढ़े, इक्विलिब्रियम ऑफ आई एस कर्व एंड एल एम कर्व, ओके। तो कस्टमर है, कस्टमर क्या बोलेगा? मुझे दस टका नहीं, मैं 8% पे लोन लूँगा। तो बैंक क्या बोलूँगा? मैं 12% पे लोन दूंगा। तो कस्टमर बोल रहा है मुझे 8% पे चाहिए, बैंक क्या बोल रहा है? मुझे 12% पे लोन देना है। तो ये गुड्स मार्केट, ये मनी मार्केट, तो दोनों में लड़ाई हो रही है। फिर दोनों कहाँ मिले? 10% पे। दोनों कहाँ जमा हुए? 10% पे। तो ये इंटरेस्ट रेट होता है, राइट। इस तरह इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अपने को क्या करने का? अभी दोनों को बनाने का। तो आई एस को क्या होता है मनी में? क्या डाउनलोड स्लोपिंग होता है आई एस को। एल एम को क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब दोनों जहाँ मिलते हैं ना वो होता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये अपना होता है नेशनल इनकम। तो इस तरह रेट दोनों मार्केट आइडेंटिफाई करता है, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट। ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम ऑफ आई एस एंड एल एम का, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होगा, अभी डिमांड शिफ्ट होगा या तो सप्लाई शिफ्ट होगा, तो वो चेंज दिखाने का। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं, जहाँ दोनों मिले वो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ आई एस को एंड एल एम को। तो क्या बताता है? इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम अपना डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो मैंने आपको लिए क्या समझा दिया? एल एम को भी समझा दिया इसमें, और इसका इक्विलिब्रियम ऑफ आई एस एंड एल एम को भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो कोशिश किया मैंने, ठीक है, और भी वीडियो में समझाते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।